हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जितनी भी परफॉर्म की गई हैं 2024 में, और कुछ पहले की भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन व्यक्ति तक पहुँच सके जो कि आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस बेसिकली क्या होता है। तो आपको पता होगा, एक तो इम्प्रूव्ड रेडीनेस के लिए, मतलब हम तैयार रहें अचानक से अगर कोई ऐसी समस्या आ गई जहां पर हमें युद्ध करना पड़े, तो यहां पर हम युद्ध करने के लिए पहले से रेडी रहें, तो इम्प्रूविंग रेडीनेस के लिए होता है। और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए होता है आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। आर्म्ड फोर्सेस में आपको पता है तीन फोर्सेस आती हैं, तो तीनों फोर्सेस में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे कि किस तरह से हमें आखिरकार युद्ध में परफॉर्म करना है। तो वो सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। सबसे पहली बात है कि तीन तरह से हम यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। कुछ होती है डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस, कुछ होती है बायलेटरल एक्सरसाइजेस, और कुछ होती है हमारी मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। तो ये याद रखेंगे कि तीन तरह से यहाँ पर हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिवाइड कर देते हैं, डोमेस्टिक, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। अब कैसे कैसे होती है, अगर मैं डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस की बात करूं, तो एक इंटरनल इंगेजमेंट बताता है कि हमें इंटरनल इंगेजमेंट कैसे बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं ये इंटर सर्विस और इंट्रा सर्विस कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, उनके नेचर, उनके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। इसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस मैंने तीन चार के नाम आपको दे दिए हैं। एक होता है हमारे पास जैसे कि गंडीव विजय हो गया, और पश्चिम लहर हो गया, वायु शक्ति हो गई, विजय प्रहार हो गया। तो ये सारी जो है वो डोमेस्टिकली यहाँ पर हमारे यहाँ की जाती हैं, ताकि जो भी फोर्सेस हैं वो इंटर और इंट्रा सर्विसेज के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट आ जाती है बायलेटरल एक्सरसाइजेस। नाम से ही समझ में आया, बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच में लड़ने वाली एक्सरसाइजेस, होने वाली एक्सरसाइजेस, परफॉर्म करने वाली एक्सरसाइजेस। तो ये लिखा हुआ है जैसे कि कंडक्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बायलेटरल एक्सरसाइजेस यूजुअली वन डे एग्जामिनेशन में ज्यादा आती है, इसलिए इनको आप ध्यान रखें। मैं यहाँ पर आपको कुछ लेकर आई हूँ, जैसे कि फर्स्ट हमको दिया है संप्रीति, तो संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। फिर मित्र शक्ति, मित्र शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। मैत्री अगर लिखा हुआ है, मैत्री एक्सरसाइज, तो इंडिया और थाईलैंड। कुछ एक्सरसाइज है उनके नाम बहुत सेम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मित्र लिखा है या मैत्री लिखा है, ठीक है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में होती है, और एक युद्ध अभ्यास नाम से ही होती है जो इंडिया और यूएस के बीच में होती है। नॉर्मेडिक एलिफेंट, ये इंपॉर्टेंट रहती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक ही एक्सरसाइज होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक गरुण शक्ति होती है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, तो शक्ति शक्ति वाले से भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक मित्र शक्ति, एक गरुण शक्ति, और एक शक्ति एक्सरसाइज ऑलरेडी है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ देखेंगे आप, आपको धर्मा गार्डियन देखने के लिए मिलेगा इंडिया और जापान के बीच में। उसके बाद आपको सूर्य किरण देखने के लिए मिलेगी इंडिया और नेपाल के बीच में। देन उसके बाद हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये याद रखेंगे हाथ किससे मिलाते हैं, हम चाइना से मिलाते हैं, तो इंडिया एंड चाइना, ऐसे याद रखिए। सिम्बैक्स, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सिम्बैक्स तो सिंगापुर और इंडिया है ना, ऐसे याद रखिए, सिंगापुर एंड इंडिया, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है। शक्ति एक्सरसाइज मैंने पहले ही बताया, इंडिया और फ्रांस के, रिपीट हो गया। कॉर्पेट याद रखेंगे, कॉर्पेट इंपॉर्टेंट है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इंद्र जो होता है, ऋषि और इंडिया के बीच में होती है। अजय वॉरियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और यूके के बीच में होती है। इंद्रधनुष इंडिया और यूके के बीच में होती है। ईस्टर्न ब्रिज करके इंडिया और ओमान के बीच में होती है। मालदीव के साथ अगेन एक्वेरियन, देखिए मालदीव अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए उसके साथ कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो एक्वेरियन करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद अस्त्र हिंद करके है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर हम कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, जो कि जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज, मल्टीपल नेशंस मिलकर जो परफॉर्म करते हैं। इसमें बेसिकली आपको तीन याद रखना है, जैसे कि मैंने एक नाम दिया हुआ है रिमपैक करके है, ये 26 नेशंस के बीच में लड़ा जा होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। देन उसके बाद मालाबार जो है, ये चार नेशंस के बीच में होता है, और कोबरा गोल्ड करके है, ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और संवेदना जो साउथ एशियन रीजन नेशंस में होता है। मालाबार याद रखेंगे, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इसको आप याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर लेटेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो 2024 में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है अल निगाह करके, जो ओमान के साथ होता है। आई थिंक इंक विजिबल नहीं है, मैं इंक चेंज कर देती हूँ, तो यहाँ पर रेड कलर कर देते हैं हम। अल निगाह आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ये ओमान के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया और ओमान के बीच में होता है। बेसिकली 2012 में हुआ था और फोर्थ एडिशन 2012 में हुआ था, उसके बाद से अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन राजस्थान में हुआ था, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। नाम अगर पूछ लिया अल निगाह तो पता होना चाहिए। एक बोल्ड कुरुक्षेत्र है जो सिंगापुर के साथ होता है। एक एक्वेरिन मैंने आपको बताया मालदीव के साथ होता है। गरुड़ शक्ति अभी मैंने आपको बताया इंडोनेशिया के साथ होता है, इंडोनेशिया में ही हुआ है। फिर एक इंद्र है, रशिया के साथ होता है, 21 में हुआ था, रशिया में ही हुआ था। खंजर याद रखेंगे, किर्गिस्तान। मैत्री मैंने आपको बताया था याद रखना है, थाईलैंड। और मित्र शक्ति मैंने आपको बोला था याद रखना है कि श्रीलंका, ठीक है ना। ये वही चीजें हैं जो हुई हैं, मैंने यहाँ पर आपको डेट्स भी बता दिए। एक इंपॉर्टेंट ये वाली याद रखेंगे, मल्टीनेशनल एफटीएक्स एक्सरसाइज 418, ये आसियान के जो 18 आसियान प्लस कंट्रीज हैं उनके साथ हुआ है। और मेरे को जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आसियान प्लस में कितनी कंट्रीज शामिल हैं। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आसियान प्लस में कितनी कंट्रीज शामिल हैं। ये 2016 में लास्ट हुआ है, पुणे इंडिया में ये हुआ है। तो देख लीजिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। हमने सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जितनी भी हो सकती थी कवर कर ली हैं। इस साल की इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी, वनडे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली एक्सरसाइजेस हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक बार ये लिस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है एग्जाम को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप प्लीज अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। और इसी के साथ हमारा सेशन आज का समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ रिपोर्ट्स और इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस लेकर आते हैं, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक छोटा सा काम करिएगा, हमें लिखकर बताइए कि किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो सब्जेक्ट का शुरू से एक सीरीज लेकर आएंगे ताकि एग्जाम आते आते तक आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।